एक और आदमी को हिरासत में लिया है, ये चार आदमी हो गए। पीछे पीछे चारों पसाई जो हैं मुस्तकिल अपनी सोर्सेज को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे रबते कर रहे हैं, जिसके बाद ये साहब जो हैं इन्हें हल्का फुल्का जुर्माना करके शायद छोड़ दें, क्योंकि तरीक़ेकार यही है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये चलाई जाती हैं। इस वक्त हम रास्ते में हैं, रास्ते में उनके पीए भी बराबर में बैठे हैं इसी साहब के, और सरी आरिफ नाम का कसाई जो है ये मुस्तकिल फ़ोन पर लगा हुआ है अपनी सोर्सेज से कि हम यहाँ पर पकड़े गए हैं, हमें फौरी तौर पर छुड़ाओ। इत्तलात ये हैं ज़राए के मुताबिक ये हेड मोरर लाल जेब को 4,000 रुपये हफ्ता और नवाज़ पीटर को 15,000 रुपये 1,500 रुपये हफ्ता देता है गोश्त बेचने की मद में, जो बुध मंगल और बुध को गोश्त काटता है। उसके अलावा कमेला भी अपना करता है, जबकि कमेला सरकारी होना चाहिए जहाँ से डॉक्टर की स्टैम्प लग के निकले, लेकिन ये बीमार सीमार मरने वाले आड़े टेढ़े शायद आपने जानते होंगे कि टाँगें बड़ी हुई और सब अब आज जानवर भी लेकर आता है और उन्हें सेल आउट करता है। पता नहीं होता है कि गोश्त बीमार जानवर का है या सेहतमंद का, और इन लोगों के यहाँ सेहतमंद जानवर का गोश्त कम ही मिल पाता है। आरिफ मुस्तकिल देखें लगा हुआ है, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो आरिफ बसाई मुस्तकिल तौर पर फोन पर लगा हुआ है अपनी फोर्सेस से, और पुलिस वाले और ये बैठे हुए हैं। पुलिस वाले तो वैसे ही कुछ नहीं कह सकते, चूँकि इनका हेड मोरर लालदेव इससे 4,000 रुपये हफ्ता वसूल कर रहा है और फीटर नवाज़ भी 1,500 रुपये हफ्ता वसूल।
मजदूर कर रहा है, बाकी अगर कोई काम आ जाए खाने का छोटा मोटा 2-4-5-10-20 हज़ार रुपए का, तो वो भी ऐसे ढोंगी करवा के देते हैं। ये इनकी बात बनी रहे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि असिस्टेंट कमिश्नर भी ऐसी चीज़ों के ऊपर छापा मार सकते हैं और वो लोग भी ये काम बंद करवा सकते हैं। एसी साहब हमारे साथ हैं, ये गुलबर्ग की मोबाइल है जो इन्हें लेके आई है। यहाँ पर दो रंग धंधा है, जो जहाँ जैसे चाहता है करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ पैसा देते रहते। इन लोगों का कहना होता है कि खाजादा मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो हमारा काम कैसे बना सकते। नाजरी इसको केंद्रीय डीसी ऑफिस ले आया जा रहा है, वहाँ से डीसी के सामने पेश करके किसी भी किस्म का फैसला किया जाएगा, एक पे जुर्माना किया जाए या सज़ा की जाए। सालों से ही आरिफ कसाई जो है वहाँ पर गोश्त बेच रहा है, नाजायज़ तबेला कर रहा है। ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए कि हमारे मुल्क का कानून जो है वो मुतवादिर हो, सही हो और इन्हें सज़ाएँ भी मिले। बहुत बन गई इतनी तो शादी में भी नहीं बनती। आदमी इस वक्त हम खड़े हैं डीसी सेंट्रल के ऑफिस में, जहां पर 4 कसाईयों को पकड़ के लाया गया है, जिनमें एक जमादार भी शामिल है। आइए हम पूछते हैं दुकान के मालिक से कि ये मंगल और बुध को गोश्त क्यों बेचते हैं, और अगर ऐसा है तो थाने में किससे इनका सेटअप है जो काम चलता है, बगैर थाने के सेटअप के काम चल ही नहीं सकता। जी आज 15 साल से मंगल और बुध को दोनों ही दुकान खोल रहे हैं। दुकान आर्डर होता है वैसे तो बंद होते हैं मंगल बुध में, सब काम कर रहे थे वहाँ पर। वो आर्डर का अगर कोई रहेगा वैसे तो उसको देना पड़ेगा ना, कोई भी हर मंगल बुध में नहीं होता, हर मंगल बुध को तो बंद होता है। 2 महीने से मैं चेक कर रहा हूँ, चेक किया था मैंने, जब मेरा है किचन वालों को मान जाता है, किचन वाले भी ऐसे मांगेंगे मैं दूंगा चांद गिरेन के अंदर लोग आए हुए होते हैं। बात है चांद गिरेन के आए हुए, बाकी ये तमेला आपके तकरीबन रोज होता है। तो ये कमेले की गवर्नमेंट से कोई लेटर वगैरह कोई परमिशन आपके पास मौजूद है? यार मेरा महसूल देता हूँ मैं कमेले का, तो महसूल की मेरा पर्ची है, महसूल जो है वो आप वहाँ नहीं कर रहे कमेले के अंदर हमारा कटता माल काम जो है मुझे नहीं नहीं वहाँ माल वहाँ मेरा माल कटता है वहाँ मेरा माल कटा मैं यहाँ काटता हूँ चमड़े मेरा वही कटना बिकता है। सुबह की फुटेज हमारे पास मौजूद है आज, चमड़े मेरे कमेले में जाते हैं वहाँ महसूल देता हूँ उस कमे जी। हाँ मेरे को एक दो माल की छूट है कि आप कमेले के अंदर एक दो माल अगर आर्डर की मेरे कटते ना कहीं तो मैं देता हूँ काटता हूँ। काम है नहीं ना, मैं प्रेशर वालों को काम प्रेशर वाला तो मेटर ही अलग है, वो तो दफा भी अलग है, ये दफा भी अलग है जिसमें आप बताऊँगी अगर, तो ये दफा भी अलग है। काम करते हैं या भाई जी? जी काम करते काम करते हैं। कितने से काम करते हैं? 12-13 साल 12-13 साल से मंगल बुध करते हैं। मंगल बुध ये तो बंगल होती है, बंद होती बंदी होती है तकरीबन। बुध को आता कोई ऑर्डर होता है तो बना दिया बंदा, 2 दिन में रह चले गए। हमारा कोई आता कमेले से और आज के दिन आता 2 बजे सब आज मैं यहाँ सब बोल रहा था तो वो बना कोई बना रहे रहा बना ही रहा था हफ्ते लेकर आ गया। गंदा काम ही नहीं हमारा, गोश्त की जगह पे गंदगी और गैर गंदगी में मसला जब कटेगा तो खून गिरेगा, खून गिरेगा तो हम सफाई करेगा। हाँ वही सफाई तो मेरा